हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेन पैकेजिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो पैकेजिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और लोग इसे क्यों करते हैं, है ना? और ये एक तरीके से कौन कौन से तरीके होते हैं पैकेजिंग स्ट्रेटजी के, हम इस बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। आपको समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आप इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अब हम चलते हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको असाइनमेंट्स जो आप लिखने वाले हैं, अगर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं कॉमर्स की पाठशाला की तरफ से, तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है। उसके बाद आपको ज्वाइन का बटन दबाना है, जहां पे आपको इग्नू एमकॉम में जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जो ज्वाइन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी अगर आपके मन में होगी, तो उन सबका समाधान जो है आपको हमारे चैनल की तरफ से दिया जाएगा, है ना? उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे एक चैट का लिंक दिखेगा, व्हाट्सएप चैट का। इसके ऊपर क्लिक करके आपको हमारा जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है एमकॉम के स्टूडेंट्स का, आप उसको उसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना? इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि आप अगर नए हैं तो आपको पता होगा कि प्लेलिस्ट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बहुत सारी वीडियो से बता चुका हूँ कि आपको अगर स्टडी अच्छे तरीके से करनी है तो आप हमारे चैनल पे आइए। चैनल पे आने के बाद जो प्लेलिस्ट है इग्नू एमकॉम का, जो सेक्शन है, आप इस पे जाइए। जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिखेगा इग्नू एमकॉम का IBO 1, मतलब फर्स्ट ईयर का आपका IBO 1 से लेकर के IBO 6 और सेकंड ईयर का MCO 1 से लेकर के MCO 7, सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको अगर आप देखेंगे अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पैकेजिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप ठीक तरीके से बांध रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, है ना? अगर आप कोई सामान खरीदोगे तो देखना वो सामान जो होगा वो किसी पैकेट के अंदर होगा, है ना? उसकी पैकेजिंग होती है ऊपर से, फिर उसके अंदर वो जो है सामान होता है। तो सपोज आपका पैकेजिंग अगर बहुत ही कलरफुल हो और उस पे लिखा रहे कि 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, और एक दूसरा पैकेज है जो कि सेम प्रोडक्ट का है लेकिन वहां पे 0% ऑफ है, वहां कुछ ऑफ है ही नहीं, तो उस केस में आप कौन सा लेना चाहोगे जिसमें ऑफर लिखा हुआ है, राइट? तो यहाँ पे पैकेजिंग स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि आप पैकेजिंग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का करते हो, जिससे जो लोग हैं वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे और आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए आतुर रहेंगे, है ना? तो ये इस चीज के ऊपर जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है ना? तो पैकेजिंग स्ट्रेटेजी में यही होता है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है भाई। वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट पैकेजिंग प्लेज अ की रोल इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। इट सर्व्स द कोर फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स, है ना? अभी एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली प्रोडक्ट आपका अंदर में है, ऊपर से पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट को सेफ रखता है। और दूसरी बात की पैकेजिंग के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिनको देख करके कस्टमर को जानकारी हो सकती है कि कितना दिन का इसका एक्सपायरी होने वाला है, प्रोडक्ट का वेट कितना है, वगैरह वगैरह, वो सारी जानकारी जो उसको पैकेट देख करके पता चल जाती है। विद द इंक्रीज इन द लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ सर्विस रिटेल आउटलेट्स वेयर द कंज्यूमर्स मेक अ चॉइस बाय देमसेल्व्स, पैकेजिंग प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट वेरियस सेल्स प्रमोशन स्कीम्स फॉर इनहेंसिंग कस्टमर टू गो फॉर अ बाय, है ना? सिंपल सी बात है कि अभी के टाइम में लोग खुद से सामान खरीदते हैं, बिग बाजार या किसी भी आउटलेट पे वो जाते हैं, सामान को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, जो पसंद आता है उसको खरीदते हैं। तो वो कंपेयर किस बेसिस पे करते हैं? उन्हीं सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई होती है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पैकेजिंग ठीक तरीके से करो, अच्छे तरीके से करें, ताकि आप कस्टमर्स को एनकरेज कर सको कि वो आपके सामान को खरीदें, वो जाएं और आपके सामान को खरीदें, है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल में देखो बोला है, कोलगेट डेंटल क्रीम इज ऑलवेज परसीव्ड इन अ रेड कलर पैकेज। कोलगेट का जो डेंटल क्रीम है वो हमेशा रेड कलर के पैकेज में होता है। व्हेन द कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर अ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम ऑफ गिविंग 20% ऑफ द एक्स्ट्रा ऑफ एवरी परचेज ऑफ 100 ग्राम्स, है ना? यहाँ पे देखो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि 100 ग्राम का टूथपेस्ट अगर आप खरीदते हो तो 20% आपको वहां पे एक्स्ट्रा मिलेगा। इट ब्रॉट अ येलो स्ट्राइप मार्क, वहां पे एक येलो कलर का स्ट्राइप मार्क दे दिया जहाँ पे लिखा हुआ है 20% एक्स्ट्रा ऑन रेड एज अ प्रमोशनल टूल, है ना? जहाँ पे 20% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो वो क्या एक तरीके का प्रमोशनल टूल है, लोगों को कैच करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भाई कि ये प्रोडक्ट में जो है 20% का ऑफ मिल रहा है। चलो ऑफ नहीं मिल रहा है तो 20% का सामान एक्स्ट्रा मिल रहा है,
समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीजें जो होती हैं पैकेजिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती हैं, और पैकेजिंग में ये सारी चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं वो सारे फैक्टर्स यानी टेक्निक्स के बारे में, जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है पैकेजिंग के ऊपर किया जाता है। सबसे पहला है डिस्काउंट पैक। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि दिन में अगर आप 10 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें से 7 के ऊपर ये डिस्काउंट पैक लिखा हुआ रहता है। लिखा हुआ रहता है कि 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, इस तरीके से देखना। डिस्काउंट होना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे एक फ्लैश होता है, एक छोटा सा कट मार्क, कट मार्क नहीं होता है मतलब, तो उस तरीके का डिजाइन बना होता है जिसको डिस्टिंक्टिव कलर, डिफरेंट कलर से वो एक तरीके से मार्क बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आपको जो है 20% या 10% का डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है। स्पेशल प्राइस डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म, और ये सबसे ज्यादा चलने वाला तरीका है। तो डिस्काउंट पैक हो गया। दूसरा हो गया कूपन पैक। तो यहाँ पे आप कूपन प्रोवाइड कर रहे हो। अ कूपन इज अ सर्टेन वैल्यू ईदर एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज और प्लेस सेपरेटली इन द पैकेज कैन बी रिडीम्ड आफ्टर द परचेज एट द प्रोडक्ट। आप बिग बाजार अगर गए हो तो आपको पता होगा कि जब आप कोई हाई वैल्यू कुछ परचेज करते हो तो देखना समटाइम्स आपको कूपन मिलता है। समटाइम्स फोन में कूपन का कोड भी आता है कि आपने 1000 रुपए की शॉपिंग करी तो आपको जो है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए जो है कूपन का कोड जब आप दोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कूपन पैक भी एक तरीके का तरीका है। आपने प्रोडक्ट को खरीदा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर कूपन है, कूपन आपने खोला, पैक को खोला तो आपको पता चला कि कूपन जो है 100 रुपए का है, जो कि आप अगले परचेज पे उसका इस्तेमाल कर पाओगे। अब समझ रहे हो, ये भी एक तरह की प्रमोशन स्ट्रेटेजी है ना, पैकेजिंग स्ट्रेटेजी है। तीसरा पॉइंट है प्रीमियम पैकेज। आपने पैकेजिंग कुछ इस तरीके की तैयार की है कि जिसको देख करके कस्टमर कहे वाह क्या पैकेजिंग है भाई, प्रोडक्ट किया बहाना में मैं सिर्फ पैकेजिंग के लिए सामान ले रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक किस्सा हुआ था। मेरे कलीग है स्कूल में, ठीक है ना, तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड ऑर्डर किया। तो क्रेडिट कार्ड उनके पास आया 1500 रुपए वाला, कोई क्रेडिट कार्ड आया SBI का, ठीक है। तो उसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी ना, कि मुझे लगा कि भाई क्रेडिट कार्ड का तो पता नहीं लेकिन पैकेजिंग के लिए मैं पक्का क्रेडिट कार्ड ऑर्डर कर दूं, है ना। तो जो पैकेजिंग होती है अगर वो प्रीमियम लेवल की होगी तो लोग एक तरीके से उसको लेना चाहेंगे, वो उससे एक तरीके से वो अट्रैक्ट होंगे उस चीज के साथ, राइट। अब प्रीमियम पैकेज कैन टेक 3 फॉर्म्स। प्रीमियम पैकेज 3 तरह के फॉर्म को ले सकता है। इफ द प्रीमियम अकंपनीज द प्रोडक्ट विद द पैकेज देन इट इज कॉल्ड पैक प्रीमियम, है ना। अगर प्रीमियम पैकेज के साथ आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पैक प्रीमियम। इफ इट अकंपनीज द पैक एज अ सेपरेट यूनिट, लेकिन यहाँ पे अगर पैक एक सेपरेट यूनिट की तरह है तो उसे हम कहेंगे विथ पैक प्रीमियम, इज कॉल्ड विथ पैक प्रीमियम। क्या बोला जाता है, विथ पैक प्रीमियम, वो पैक प्रीमियम या विथ पैक प्रीमियम, मतलब प्रोडक्ट के साथ आपको पैक मिल रहा है। A coupon on the pack allowing a discount is called on pack premium package, है ना? अब suppose आपको एक coupon मिला जहाँ पे आपको जो है उसका आप इस्तेमाल जो है next buy में आप कर सकते हो। अब वो जो है आपको उस package के अंदर मिला, premium package के अंदर मिला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, on pack premium package। तो ये तीसरा तरीका है, ये तीसरा promotional तरीका है packaging करने का, अपने product को बढ़ाने का, right? अब बात कर लेते हैं price prime packaging के बारे में, कि prime packaging में क्या होता है। So, a specially made package having either a reuse or prestige value is referred to as prime package. तो sometimes देखना ऐसा होता है कि जो packaging होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि आप उस package का इस्तेमाल दोबारा भी कर सको। तनिष्क में अगर आप कभी जाओगे, अगर आपने gold या फिर कुछ diamond खरीदा, तो आपको पता चलेगा कि उनका जो carry bag होता है ना, वो कागज का carry bag होता है और उसको आप दोबारा reuse कर सकते हो, है ना। वो एक तरीके से गिफ्ट के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या डिफरेंट तरीके में जैसे आप इस्तेमाल करना चाहो आप उसका दोबारा लेकिन रीयूज कर पाओगे। तो ऐसी कोई पैकेज होती है जिसका आप रीयूज कर पाते हो, या फिर उसकी कोई प्रेस्टीज वैल्यू है, भाई तनिष्क का सामान है ना, टाटा का तनिष्क का सामान है, तो उसकी कोई वैल्यू है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्राइम पैकेज, ठीक है ना। इंस्टेंट कॉफी पैक्ड इन ग्लास टेम्बलर्स हैविंग कलर्स इज एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट टाइप, है ना। तो कोई कॉफी है, सपोज इंस्टेंट कॉफी है, उसके ऊपर जो है टम्बलर्स में लिखा हुआ है और वो कलर है, कलरफुल है, तो वो एक तरीके का फर्स्ट टाइप ऑफ है प्राइम पैकेजिंग का। द सेट ऑफ वॉचेस, यहाँ पे सपोज बहुत सारी घड़ियां हैं, सेट ऑफ वॉचेस हैं बाय द टाइटन फॉर अ मैरिड कपल इन गोल्ड प्लेटेड पैकेट इज कॉल्ड बंधन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम पैक। सोचो टाइटन ने घड़ियां बनाई दो लोगों के लिए, कपल्स के लिए घड़ियां बनाई, जो कि मैरिड कपल्स के लिए जो घड़ियां बनती है गोल्ड प्लेटेड है पैकेज उसका, जिसका नाम रखा गया है बंधन। तो ये भी क्या है, एक तरह का प्राइम पैकेजिंग है, राइट। पांचवा नंबर है सेल्फ लिक्विडेटर्स। सो द बायर हैज टू सेंड टू द कंपनी अ नंबर ऑफ पैकेजेस और पार्ट देयर ऑफ एज एविडेंस ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि
आपको अगर प्रमोशन करना है, आपको अगर अपने चीजों को बढ़ाना है, तो उस केस में आप ऑफर देते हो ठीक है। अगर आप 5 मेरे पास से प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको जो है इतने का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि 5 प्रोडक्ट आपने मुझसे खरीदे थे, राइट? समझ रहे हो आप? तो आपने जो सामान खरीदे थे उसका जो जो पैकेजिंग है, वो चारों पैकेज, पांचों पैकेज आपने जो है वापस कर दिया, ताकि आपको जो है डिस्काउंट मिल सके। उसी तरीके से देखना कि कुछ टाइम पहले पेटीएम कैश जो है, जब आप लेस खरीद रहे थे तो 10 रुपए का जो है वो पेटीएम कैश देते थे, हर 10 रुपए के पैकेज के ऊपर 10 रुपए का पेटीएम कैश मिलता था या एयरटेल मनी मिलता था, तो उसको आप रिडीम कर सकते थे तभी जब आप प्रोडक्ट को खरीदोगे, है ना? तो ये प्रोडक्ट को खरीदवाने का एक तरीका है, ताकि प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। इन रिटर्न ही मे परचेज एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सेम प्रोडक्ट एट रिड्यूस्ड प्राइस और बी रिवॉर्डेड विद द डिफरेंट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपने 4 चीजें 5 चीजें जब आपने वापस कर दी पैकेजिंग, तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? हो सकता है कि आपको एक एडिशनल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाए 5 चीजों के बदले, जो आपने पैकेजिंग दी उसके बदले आपको एक प्रोडक्ट नया मिल गया, है ना? या फिर उसके अलावा कोई और आपको रिवॉर्ड मिल जाए। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ लिक्विडेटर्स। ये सेल्फ लिक्विडेटर्स एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किस तरह की एक्टिविटी के लिए किया जाता है, जहाँ पे कंपनीज जो है एक तरीके से लोगों को रुझाने का कोशिश जो है करती है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ देखो, सेवरल कंपनीज इन इंडिया द प्रोसेस्ड फूड लाइक मैगी, टॉप रेमन, सारा सरगम, टी ओकेजनली यूज दिस टेक्निक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जो कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, है ना? रीडिजाइनिंग ऑफ द पैकेज, ये बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर में, इसको ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, ये मैं छोटा करके यहाँ से यहाँ तक बताने वाला हूँ, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पैकेज कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ प्रमोशनल टेक्निक, है ना? तो आपने सपोज कोई पैकेजिंग नया इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने अपना आपका जो पुराना पैकेज था उसको आपने रीडिजाइन कर दिया, उसको अपने डिजाइन ही उसका डिफरेंट कर दिया, तो उस केस में वो भी एक तरीका है जिसके जरिए कस्टमर जो है उसके दिमाग में जो चीजें आएंगी। जैसे कि आपने टीवी में भी देखा होगा कि जी टीवी जो है या जी सिनेमा जो है, पहले उनका लोगो डिफरेंट था, अभी डिफरेंट लोगो हो गया है ना? तो वो जो लोगो चेंज करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग चेंज करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि लोगों का ध्यान उसके ऊपर आकर्षित हो, ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें जो है की जाती है प्रमोशनल टेक्निक के रूप में। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ, टिल द वेरी रिसेंट पास्ट एडिबल ऑयल्स वेर पैक्ड इन टीन कैंस इन इंडिया व्हिच लुक्ड मेसी एंड डर्टी। पहले के टाइम पे, कुछ टाइम पहले की बात हो रही है, कि क्या होता था कि जो एडिबल ऑयल्स होते थे, जो ऑयल्स हम खाते हैं, है ना, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, और आपका सोया ऑयल हो गया, तो ये सारे ऑयल की जो पैकेजिंग होती थी ना, वो टीन में होती थी। तो टीन को देखने में ना बहुत ज्यादा मैसी लगता था और गंदा भी लगता था। तो कस्टमर्स ने, कंपनी ने क्या किया कि उनको सोचा कि चलो भाई इसको प्लास्टिक के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लास्टिक का सामान लेते हैं, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्ट को क्या किया, रीडिजाइन कर दिया, राइट? तो रीडिजाइनिंग ऑफ पैकेज जो है इसे कहेंगे। अगला पॉइंट है ऑड साइज पैकेजिंग। अब इसको समझ लेते हैं, ऑड साइज पैकेजिंग क्या होती है। पैकेजिंग कैन ऑल्सो बी यूज इन दी, सॉरी माफी चाहूंगा, ये पूरा ही सिलेक्ट हो गया, ठीक है? सो पैकेजिंग कैन ऑल्सो बी यूज इंजीनियसली टू अवॉइड डायरेक्ट प्राइस कंपेरिजन विद द कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स, है ना? तो ओल्ड साइज पैकेजिंग जो होती है, ये भी एक तरह का टेक्निक है, जहां पे आप कोशिश करते हो कि आपको जो है डायरेक्ट कंपैरिजन ना करना पड़े जो कि जो भी आपकी कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स है। सपोज आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सेम प्रोडक्ट वो लोग भी बना रहे हैं, है ना? तो उस केस में आपको ओल्ड साइज पैकेजिंग करोगे तो चलेंगे, उसकी साइज डिफरेंट करनी पड़ेगी आपको, डिफरेंट लगना चाहिए, ऑड लगना चाहिए थोड़ा, तब जाकर के लोग जो है उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। दिस इज डन बाय द डेलिबरेट चॉइस ऑफ ऑड साइज, है ना? यहाँ पे लोग साइज जो है ऑड लेते हैं, व्हाइल द कंपीटिंग ब्रांड्स फॉलो अ स्टैंडर्ड साइज। जो कंपीटिंग ब्रांड्स होती हैं वो एक तरीके से सेम साइज फॉलो करती हैं, है ना? लेकिन कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कि ऑड साइज फॉलो करती हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ, अ रीसेंट एग्जांपल इन इंडिया इज द लंच ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बाई पेप्सी 200 ml बॉटल एट ₹5 व्हेन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वॉज 300 ml एट अ प्राइस ऑफ ₹7, है ना? पेप्सी ने क्या किया कि 200 ml का बॉटल निकाला जिसका प्राइस रखा ₹5, लेकिन सेम चीज 300 ml का जो डॉलर है, 300 ml का जो प्रोडक्ट है, वो ₹7 में बिकता है। तो पैकेजिंग 300 वाली ही होती थी पहले, 300 ml वाली होती थी, लेकिन उसको बाद में ऑड करने के लिए ₹5 की जो पैकेजिंग है कर दी गई है। एंड रेस्ट अदर प्लेयर्स इमीडिएटली फॉलोड द ब्रांड लीडर विद अ 200 ml पैक साइज। तो जब ऐसा हो गया तो बाकी सारी कंपनीज ने भी उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, उसको फॉलो किया, और उन लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको भी घटा दिया, और साथ ही साथ जो क्वांटिटी थी उसको भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। आठवां नंबर पॉइंट है पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन। तो जो प्रोडक्ट लाइन होगा, प्रोडक्ट लाइन में एक प्रोडक्ट नहीं आता, पूरी की पूरी प्रोडक्ट की फैमिली आती है ना?
एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं सेम नेचर के, तो उसको हम जो भी प्रोडक्ट उनका निकलेगा वो प्रोडक्ट लाइन होगा, तो उसका जो पैकेजिंग होगा ना वो तकरीबन मोर और लेस सेम ही किस्म का होता है सबका, कलर जो है ना सेम इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या होगा कि आज चीजें जो है आइडेंटिकल लगती है, फीचर्स उनका सेम लगने लगता है ना। तो इस कारण से ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है। पैकेजिंग कैन बी यूज्ड टू डेवलप अ फैमिली रिसेम्बलेंस इन द पैकेजिंग ऑफ इट्स सेवरल प्रोडक्ट्स, है ना। पैकेजिंग समटाइम्स इसलिए भी किया जाता है ताकि आप अपनी पहचान जो है दूसरे के साथ जोड़ सको। एक प्रोडक्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, दूसरा दो तीन प्रोडक्ट जितना भी सारे हैं सबका देखना जो पैकेजिंग होगी ना एक किस्म की होगी, लिखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो एक तरीके से जो उनकी जितनी भी सारी प्रोडक्ट है, वाइड रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, उनकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की होती है ताकि वो सिमिलर आपस में दिखती है, तो आइडेंटिकल दिखता है ना। आइडेंटिकल पैकेज और द पैकेज विद सम कॉमन फीचर्स आर यूज्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग स्ट्रेटेजी हैड द बेनिफिट्स ऑफ अम्ब्रेला ब्रांडिंग। जब इस तरह की पैकेजिंग स्ट्रेटेजी की जाती है तो यहाँ पे अम्ब्रेला ब्रांडिंग होती है और इसका बेनिफिट जो है सारे प्रोडक्ट्स को मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट को मिल रहा है, राइट। नौवे नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है बंडल पैकेजिंग। प्लेसिंग मोर देन वन यूनिट इन वन कंटेनर इज रेफर्ड टू एज बंडल और मल्टीपल पैकेजिंग। तो आपने सपोज एक यूनिट से ज्यादा एक कंटेनर में रखा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंडल या फिर मल्टीपल पैकेजिंग, क्योंकि प्रोडक्ट एक है यूनिट एक है लेकिन आप उसको उससे ज्यादा कर रहे हो, सॉरी एक नहीं है मतलब एक से ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बंडल या फिर मल्टीपल पैकेजिंग। दिस पैकेजिंग स्ट्रेटेजी इंक्रीजेस द सेल्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। जब इसका इस्तेमाल होता है तो जो सेल्स है वो बढ़ जाती है। दिस इज सीन इन बाथिंग एंड वॉशिंग सोप कैटेगरी। अब ये तब होता है, ये किस क्षेत्र में होता है, बाथिंग एंड वॉशिंग सोप। आपने देखा होगा भाई कि चार तीन लेने पे एक फ्री और उसको जो है पैकेजिंग एक साथ कर दी गई तो उसकी सेल देखना बढ़ जाएगी, आपको लगेगा अच्छा तीन के साथ एक फ्री है चलो भाई खरीद लेते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज जो है आपको देखने को मिलती है बंडल पैकेजिंग के तहत। पैकेजिंग इन पेरिशेबल्स इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट एरियाज वेयर शेल्फ लाइफ इज एन इंटीग्रल इशू। जहां पे शेल्फ लाइफ एक बहुत ही इंटीग्रल इशू है, मतलब शेल्फ लाइफ मतलब हो गया कि किसी प्रोडक्ट का जो है कितने दिनों तक वो चलता है, एक्सपायरी लिखा हुआ होता है ना, एक्सपायरी अगर क्रॉस कर गया मतलब उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, वो अब नहीं टिकेगा, है ना। तो जहां पे शेल्फ लाइफ का इश्यू होता है, पैकेजिंग ब्रिंग्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एज वेल एज प्रोमोशनल वैल्यू। पैकेजिंग जो होती है वो एक फंक्शन और साथ ही साथ प्रोमोशनल वैल्यू भी लेकर के आती है उस तरह के प्रोडक्ट के लिए। कैसे, देखो एग्जाम्पल में आइसक्रीम बिजनेस की अगर हम बात करें तो द रेफ्रिजरेटर सर्व्स एज अ स्टेटस सिंबल फॉर द रिटेलर एंड ऑल्सो द सेल ऑफ अ ब्रांड। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर होगा, जो फ्रिज होगा, देखना वो भी फ्री में देंगे। आप जब आइसक्रीम खाओगे क्वालिटी वॉल्स का या अमूल का, तो देखना जो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, वो भी एक तरीके से फ्री में दिया जाता है दुकानदार को, और वो एक तरीके से वैसी में आइसक्रीम को रखा भी जाता है। तो पैकेजिंग जो पेरिशेबल आइटम्स का होता है वहां पे साथ में रेफ्रिजरेटर दिया जाता है ताकि आप उसको ठीक तरीके से रख सको, और उसी रेफ्रिजरेटर के ऊपर ब्रांडिंग भी अच्छे तरीके से की हुई होती है, एड पूरा चल रहा होता है, राइट। सो दीज आर द 10 बेनिफिट्स में 10 टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल जो है पैकेजिंग में होता है, और पैकेजिंग स्ट्रेटेजी जो है इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, आई होप कि आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।